Hello friends, welcome to my channel Deepika Meditation Power. I hope you all are fine. तो friends, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जिसके बारे में हम सोचते बहुत हैं. Yes friends, मेरे वीडियो का टॉपिक आज है ओवरथिंकिंग. फ्रेंड्स, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि क्या थिंकिंग और ओवरथिंकिंग दोनों सेम चीज़ें हैं, या ओवरथिंकिंग करने से हमें कोई बेनिफिट होता है. तो इसको जानने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि मैं अपने वीडियोस के माध्यम से अपने व्यूवर्स को कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूं. तो काइंडली मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए. मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो फ्रेंड्स, ओवरथिंकिंग जो होती है और थिंकिंग, इन दोनों के बीच में पहले हम डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं. थिंकिंग, जो भी आप सोचते हैं, जो भी कार्य आप करते हैं, उसे करने से पहले आप सोचते हैं, फिर आप अपने दिमाग में एक बार उस चीज़ का प्लान करते हैं. कुछ कामों के लिए हम प्लानिंग करते हैं और कुछ कामों के लिए नहीं करते हैं. तो वह पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, आप उन्हें सोचते हैं और उसी तरह से उसे प्रोसीड कर देते हैं. परंतु जब बात ओवरथिंकिंग की आती है तो ओवरथिंकिंग में हम एक ही बात को लगातार अपने माइंड में सोचते रहते हैं और वह कंटिन्यूस थॉट जो होता है वो पॉजिटिव नहीं होता है. वह 99% नेगेटिव थॉट होता है और नेगेटिव थॉट हमेशा आपके माइंड को नेगेटिविटी देते हैं और उस थॉट को आप लगातार सोचते रहते हैं, जिसके कारण कि आपकी जो हेल्थ होती है वो इफ़ेक्ट करती है. तो फ्रेंड्स, एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि आप किसी सुंदर सी झील के बहते पानी को लगातार देखते हैं, पानी बिल्कुल क्लीन है, तो आपको बहुत खुशी होगी. उसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी. परंतु जब वह पानी, उस पानी में काई जम जाए या वह पानी रुक जाए एक जगह 3-4 दिन के लिए, उसमें फंगस लग जाए, तो क्या वह पानी देखकर आपको खुशी होगी? नहीं होगी. ठीक उसी प्रकार आपका माइंड भी एक पॉजिटिव थॉट्स के लिए बना है. उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स को मत भरिए, कुछ भी ऐसा मत भरिए जो लगातार आप सोचते रहें और परेशान रहें. ऐसा करने से आपके माइंड में नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आप स्ट्रेस की पोजीशन में कब पहुंच जाएंगे आपको खुद भी एहसास नहीं हो पाएगा. इसके कारण क्या हैं? कारण बहुत सारे हो सकते हैं. जैसे कि आप किसी भी चीज़ को लगातार लेकर सोच रहे हैं, या किसी ने कोई ऐसी बात कह दी है जिससे कि आप अपने माइंड में उसी चीज़ को लगातार कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हैं, या भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी में हर चीज़ को जल्दी पा लेने की चाह और एक अंधी दौड़ जिसमें कि कंपटीशन, जिसमें कि हर एक को हर इंसान से आगे निकलने की चाह है.
तो फ्रेंड्स, इस ओवरथिंकिंग से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं? ओवरथिंकिंग सबसे पहले आपकी ब्रेन की जो नसें हैं उसे कमजोर बनाती है। आपकी हेल्थ पर इफेक्ट करती है। ओवरथिंकिंग करने से आपका हार्ट भी कमज़ोर होता है, क्योंकि आप लगातार सोचते रहते हैं, नेगेटिविटी आपके अंदर भरती जाती है। तो बार बार किसी चीज़ को सोचने से आप कब स्ट्रेस की पोजीशन में आ जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं होगा। फ्रेंड्स, हम इससे बच कैसे सकते हैं? बचने के लिए सबसे पहले आपको खुद का एक अच्छा दोस्त बनना होगा। आपको खुद को एक दृढ़ संकल्प करना होगा, अपने आप में इतनी पॉजिटिविटी लानी होगी कि मैं ज्यादा नहीं सोचूंगी या सोचूंगा। और आपको खुद ये रियलाइज करना होगा कि जो थॉट मेरे माइंड में लगातार एक दिन से, दो दिन से, तीन दिन से कंटिन्यूसली चल रहा है, जो मैं बार बार सोच रहा हूँ कि क्या वह पॉजिटिव है या वह नेगेटिव है, क्या उससे मुझे कोई पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त हो रही है, मुझे एनर्जी कोई पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, या ये बेकार का थॉट है जो मेरे माइंड में लगातार कंटिन्यूसली चल रहा है। तो आप अपने खुद के अच्छे दोस्त बनिए और अपने आप को ये रियलाइज करवाइए कि क्या जो थॉट मेरे माइंड में चल रहा है वह पॉजिटिव है या नहीं है, या कोई फालतू का थॉट है। दूसरा, आप अपने माइंड को, जब भी आपके माइंड में ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए। कोई अच्छी हॉबी अपनाइए, डांस कीजिए, म्यूजिक, गार्डनिंग, सुंदर पौधे लगाइए, कोई भी अच्छी हॉबी अपनाइए और अपने माइंड को डाइवर्ट करिए। योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड फॉर टू रिमूव योर नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर माइंड। आपको पॉजिटिव चीज़ों में फोकस करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छा है, आप वह कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने किसी फ्रेंड से अगर कोई ऐसा नेगेटिव थॉट चल रहा है आपके माइंड में, तो उसे शेयर कर सकते हैं, परंतु वह कोई आपका ट्रस्टवर्थी फ्रेंड होना चाहिए। और आप यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस थॉट को किसी पेपर पर लिखिए और खुद जोर जोर से पढ़ लीजिए। तो ऐसा करने से आपको ऐसा लगेगा कि आपने वो बात किसी से शेयर कर दी है, पर उसे कंटिन्यूसली सोचने के बजाय यदि आप उस थॉट को क्लियर कर सके तो बहुत अच्छा है। और सबसे बढ़िया चीज़ है कि छोटी छोटी बातों पर माफ़ करना सीख लीजिए। इट्स गुड फॉर योर माइंड एंड योर रिलेशंस। जब आप ओवरथिंकिंग में होते हैं तो आपके अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है और आप धीरे धीरे एक स्ट्रेस की स्टेज में चले जाते हैं। तो ना आप सोसाइटी में गुड रिलेशन बना पाते हैं, ना अपने घर में, ना ऑफिस में, ना अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे थॉट से सहमत होंगे और अपनी ओवरथिंकिंग पर लगाम लगाएंगे, अपने अच्छे दोस्त बनेंगे और अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट्स को भरेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। काइंडली, इफ़ यू लाइक माय थॉट्स, शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कीप स्माइल, स्टे फिट एंड सेव वाटर ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।
बाय।